Hey, what's up guys? कैसे हैं आप? Welcome back to your own channel again. खबरों का पिटारा खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में. क्या मिस्टर इंडियन हैकर की ब्लैक स्कॉर्पियो एक्सीडेंट फेक थी? ऐसा ही कुछ कहना है यूट्यूबर शुभ राठौर का. चलिए देखते हैं उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप एंड उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मिस्टर इंडियन हैकर ने क्या कहा इस पे. मेरी अगर गाड़ी बाइक या किसी भी चीज का किसी भी भाई का किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे पहली बार जब जाऊंगा तो मेरे दिमाग में कभी ये आने वाला ही नहीं है कि मैं जाते ही कैमरा चालू करके ही जाऊं क्योंकि मुझे वहां की चीजें देखनी पड़ेंगी कैसी हैं क्या है सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल है. और अगर हम वीडियो बनाने के पर्पस से जाएंगे तो हम वीडियो को स्टार्ट करके जाएंगे. और हम पर्पस से कब जाते हैं? जब हमें सारी चीजें पता होती है कि वहां पे क्या होने वाला है. गाड़ी पूरी चार पांच बार पलटी खा गई. ये कैसे हो सकता है यार? मैं कैसे मान लूं कि यार इतनी भयंकर गाड़ी पलटी हुई है और किसी को चोट ही नहीं लगी है? जरा सी भी नहीं लगी. बोले जरा सी, मतलब जरा सी का मतलब समझ रहे ना, ऐसे खरोच होती है ना 15 लोग. और एक बात और, अगर लगी होती, अगर चोट लगी होती भाई साहब किसी को, तो ये बंदा खुद को नंगा दिखा रहा है जब वीडियो में. उन्हें ना दिखाते तो उन्हें तो दिखा. ओके भाई देखो इतनी डिटेलिंग में काम किया गया है. यहाँ पे नंबर देखो, श्री ओम के नीचे जो नंबर है वो भी हाइड कर दिए गए हैं कि जो किसी कोई भी कॉल करके इनसे पूछे ना कि एक्चुअली में जो सिस्टम क्या है वो हुआ क्या था. भाई साहब ने पीछे जाके जो टाइटेनियम आर्मी का स्टिकर लगाया हुआ है वो टाइटेनियम स्टिकर यहाँ पे नहीं है. अगर दिलराज भाई उस स्टिकर को निकालते हैं, उसे मैंने लगाया तो मैंने ही लगाया, मैं उसे निकालूंगा क्यों? और मेरी फेवरेट गाड़ी है भाई, दिलराज भाई के कहने के हिसाब से. वैसे तो ये फैक्ट थोड़ा डाउटफुल है बट मिस इंडियन के लेटेस्ट वीडियो में ब्लैक स्कॉर्पियो फिर से देखने को मिली. इसके बाद लोगों ने इसे कंफर्म समझा एंड कमेंट्स में कह दी फेक एक्सीडेंट की बात, जिसमें मिस्टर इंडियन हैकर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, टाइटेनियम आर्मी आपसे कह रहा हूँ, देखना कुछ लोग इस वीडियो में भी कॉन्ट्रोवर्सी करने की कोशिश करेंगे, बट आप लोग मस्त रहो, उनको उनका जवाब मिल जाएगा. चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया कि राउंड 12 की दो वीडियो आने वाली है इस मंथ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट अब न्यूज आ रही है कि वो जल्दी देखने वाले मूवी एंड वेब सीरीज में. लोडेड गैंग के इंटरव्यू में उन्होंने राउंड 12 मेंबर वसीम से जब ये पूछा तो उनका रिप्लाई कुछ ये था. चल रही है कि मूवी में आ रहे हैं आप लोग, अफवाह या रियलिटी है? काम जारी है, काम चल रहा है उस पर. मूवी में भी दिखेंगे, वेब सीरीज भी आएंगी. वैसे प्रोसेस चल रहे हैं थोड़े बहुत, बहुत जल्द मिलेगा देखने को कुछ. हमारा विजन वही है कि भाई करेंगे साथ, है नहीं? मैं दिल से बोलना चाहता हूँ जो रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते हैं वो कृपया प्लीज. हाँ वो थोड़े सारे प्लीज. वो थोड़ा सारा हाँ. चीजों को समझे तो और अच्छा होगा, सब चीज बढ़िया होगी. गलतियाँ हो जाती हैं, हमारा कोई मकसद नहीं होता किसी का कि भाई किसी को कोई ठेस पहुंचे. हम तो एज ए क्रिएटर, एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, ना कि किसी को हट करने के हाँ. लिए. अगर हट करने के लिए बनाएंगे तो स्पेशल तड़का लगाएंगे उसमें. हेट वाला चलेगा फिर, हेट ही वाला चलेगा. हमने लोगों से बहुत प्यार पाया है तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी को भी ऐसी चीज हेट वाली बुरी वाली वो चीजें ना. हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को हंसाना, दैट्स इट. और हमारा कोई मोटिव नहीं है कि भाई लाइफ में अच्छा काम करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, बुरा करोगे तो बुरी जगह जाओगे. नेगेटिविटी फैलाओगे नेगेटिविटी में रह जाओगे, पॉजिटिविटी फैलाओगे पॉजिटिविटी में जाओगे. नेक्स्ट अपडेट आ रही फुकरा इंसान की तरफ से. फुकरा इंसान कुछ क्रेजी करते रहते हैं. अब उन्होंने बना डाला कैरिमिनाटी के लिए इंडिया का सबसे बड़ा प्ले बटन. गाइस मैंने रेडी करा कैरिमिनाटी के लिए इंडिया का सबसे बड़ा प्ले बटन. ये है 6 फुट से भी ऊपर का प्ले बटन और उसको बनाने में हमारे को 30 डेज से भी ऊपर लग गया है. तो गाइस उसको कमेंट सेक्शन में टैग करो ताकि हम उसको ये डिलीवर कर पाए और आप इसको देख पाओ. नेक्स्ट अपडेट आ रहे ऋषभ पंत की तरफ से. ऋषभ पंत एंड कॉन्ट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होती. ऋषभ पंत को मिल रहा है हेट उनके इस वीडियो एड के लिए. एज अ वीडियो कॉन्सेप्ट ये था कि ऋषभ पंत अपनी मन की सुन के क्रिकेटर बनने का फैसला सही किया. एड में बताया गया कि अगर ऋषभ पंत क्रिकेटर नहीं होते तो वो ऐसे ही एक गायक की भूमिका में नजर आ रहे होते. पंत को इस विज्ञापन में एक बुरे गायक के तौर पे बताया गया और इसी कारण से इस वीडियो में कहते हैं शुक्र है कि भगवान की मैंने अपना सपना फॉलो किया एंड क्रिकेटर बना. इस एड का मतलब ये है कि क्रिकेटर अगर पंत नहीं होते तो गायक बनते और कुछ ऐसा बनने का फैसला तो सही नहीं होता. इस पे किसी क्लासिकल सिंगर ने लिखा, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय डिसगस्ट एंड अग्लीनेस ऑफ दिस कमर्शियल डिसरिस्पेक्टिंग योर लेगेसी makes you look like a fool. This is the music of Pandit Ravi Shankar, Ustad Jakir Hussain, Pandit Bhimsen Joshi. I'm sure you earn a fortune by doing this, but is it worth? उसके बाद ऋषभ पंत को वो वीडियो ट्वीट डिलीट करना पड़ा. नेक्स्ट अपडेट आ रही टोटल गेमिंग की तरफ से. टोटल गेमिंग को मिल रहा है हेट अपने सरकास्टिक पॉलिटिकल ट्वीट्स के लिए. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात से आप चले जाएं प्लीज. मैंने तो नरेंद्र मोदी जी को पहले ही बोल दिया था कि इस बार पक्का मैं आपको वोट नहीं दूंगा. या उन्होंने आप पे फोर्स करते हुए लिखा जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है. एंड उसके बाद उन्हें काफी सारा ट्रोल किया गया उनके इस ट्वीट्स के लिए, जिसका रिप्लाई करा उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान. एंड उन्होंने कुछ ये कहा, भाई चुनाव लड़े थे? अरे एक भी जगह से चुनाव नहीं लड़ा था मैं, बस उंगली करता हूँ, बस ऐसे लड़ता नहीं हूँ मैं, चुनाव लड़वाता हूँ.
लड़वाता हूँ चुनाव लड़ने वालों को। आप वालों ने दोस्तों बहुत मेहनत करा गुजरात में, बट आप वाले बहुत गंदा हार गए भाई, बाद में मेरे को दुख हुआ यार। पर ठीक है यार, अब ये पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, अपन लोग पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, वरना क्या होता है ना, लोग मेरे को गाली देते हैं और तुम्हें पता है कौन देता है गाली फिर मेरे को, तो इस वजह से छोड़ो यार। नेक्स्ट अपडेट आ रही ट्विटर की तरफ से, ट्विटर स्लो डाउन था इंडिया में, जिसका रीजन था ट्विटर में हो रहे काफी सारे चेंजेस। ट्विटर इज नाउ चेंज, ऐसा कहना है ट्विटर ऑफिशियल का। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अब iOS के लिए $11 एंड एंड्रॉइड के लिए $8 पे करने होंगे फॉर ब्लू टिक वेरिफिकेशन। ब्लू टिक के साथ दिखेंगे गोल्डन टिक, जो की बिजनेस अकाउंट्स के लिए होंगे एंड ग्रे टिक फॉर द गवर्नमेंट पर्पस ओनली। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए बताया कि अब लॉन्ग वीडियोस एंड ट्वीट्स भी कर पाएंगे। एलन मस्क ने ट्वीट्स करते हुए बताया कि सब्सक्राइबर वीक खत्म होने वाले, जिसकी मदद से लोग फेक हेट्स क्रिएट करते हैं अपने फायदे के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही क्रेजी दीप की तरफ से, क्रेजी दीप ने BTS फैंस को ट्रोल करते हुए करा ट्वीट, नॉट गोना लाई, ये BTS फैंस सबसे फुद्दू पर जाती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही भुवन बाम की तरफ से, भुवन बाम ने बताया अपने लेटेस्ट वीडियो ताजा खबर की ट्रेलर रिलीज डेट एंड रिक्वेस्ट करी अपने फैंस को दे बहुत सारा प्यार इस वीडियो को। माना कि आप मेरे वीडियोस का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत बेताब हूं कि मैं एक नया कंटेंट पीस आपके सामने लेके आऊं, लेकिन ये एक कदम मेरे लिए बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर मुझे एक और कहानी दुनिया के सामने रखने का मौका मिला है। आपके इतने सालों के प्यार ने ना मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, और आज उसी आत्मविश्वास के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आइए अपने इस साथ को डिज्नी प्लस हॉटस्टार तक लेके चलिए। ताजा खबर, मेरे डेब्यू OTT शो का ट्रेलर आने वाला है परसों, यानी 13 दिसंबर को। उम्मीद है आप ट्रेलर देखेंगे, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एक लाइक छोड़ेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी करेंगे। जैसे 7 साल पहले एक दिल्ली के लड़के को आपने मौका दिया था कि वो कुछ नया करे, वैसे ही इस बार भी मौका देंगे, प्रोत्साहन देंगे, और मैं वादा करता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। ताजा खबर ट्रेलर 13 दिसंबर, आइएगा जरूर। गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। टिल देन सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को एंड वीडियो।